बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सात कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी, आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक बैसाख मास की प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय, महाराज जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, हमारा शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को सात कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं हमारे। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रकटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, महाराज 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बांधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये तीन बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना।